अल्लाह أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد السلام لله رب عليكم العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام وعليكم السلام خوب خوبی اسم من عائشه است. بله شما خانواده شما خوب هستند؟ بله آنها خوب هستند. خانواده شما؟ متشکرم آنها خوب هستند. شما بله بفرمایید شما چه کاره هستی؟ من دانشجو هستم. شما بله اسم پدر شما چیست؟ اسم پدر من شمیم است. اسم پدر من شمیم است. اسم مادر شما چیست؟ اسم مادر من راشیدا است. بله. اسم برادر شما چیست؟ من برادر ندارم. بله. من تنها فرزند خانواده هستم. من تنها فرزند خانواده هستم. خوب متوجه شدی؟ ابی حسن سلام. وعلیکم السلام. اسم شما چیست؟ اسم من ابی حسن رضوی است. شما حال شما خوب است؟ بله من خوبم. بله شما بفرمایید پدر شما چه کاره است؟ پدر من سرباز است. بله شما چه کاره هستی؟ من دانشجو هستم. شما اهل کجا هستی؟ من اهل کجا هستم. خیلی خوب. خوب گل زهرا سلام. خوب هستی شما؟ وعلیکم السلام. بله من خوبم. شما خوبی؟ منم خوب هستم ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ بله آنها خوبند. شما چه کاره هستی؟ من دانشجو هستم. خانواده شما خوب هستن؟ بله آنها خوبند. شما اسم شما چیست؟ اسم من گل زهرا است. اسم پدر شما چیست؟ اسم پدر من استفا حسن است. اسم برادر شما چیست؟ اسم برادر بزرگ نظر عباس است. انما فاطمه سلام. وعلیکم السلام. خوب هستی شما؟ بله من خوب هستم. شما خوبی؟ متشکرم. اسم شما چیست؟ اسم من انما فاطمه معصومه است. بله خانواده شما خوب هستن؟ بله آنها خوب هستن. شما چه کاره هستی؟ من دانشجو هستم. کلدیپ سینگ خوبی؟ خوب هستی کلدیپ سینگ؟ بله خوب. حفیظه سلام. وعلیکم السلام. خوب هستی شما؟ بله من خوبم. شما خوبی؟ منم خوب هستم. شما چه کاره هستی؟ من دانشجو هستم. پدر شما چه کاره است؟ پدر من مغازه دار است. اسم شما چیست؟ اسم من حفیظه است. اسم خواهر شما چیست؟ اسم خواهر من فریزه است. بله اسم برادر شما چیست؟ اسم برادر من محمد عرفات و محمد حسن است. بله مریم نقوی سلام. خوب هستی شما؟
मेरी आवाज आ रही है? भले आगा, भले सलाम, सलाम, भले आगा। अल्हम्दुलिल्लाह मनम खूबम शुमा खूबी मनम खूब हस्तम खानवादे शुमा खूब हस्तम अल्हम्दुलिल्लाह अनहा खूब खूब हस्तम शुमा चे कारे हस्ती मैं दानिशु हस्तम शुमा अहले कुजा हस्ती मैं अहले अमरोहा हस्तम ए अहले अमरोहे कुदा 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 कुजा अमरोहे कुजा अमरोहे नजदीके मुरादाबाद ना मीदू ना मन हम अस अमरोहे हस्तम देखे मैं इसीलिए पूछा अमरोहा में कहाँ से मन हम अस अमरोहे हस्तम मैं भी अमरोहा से अरे 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 शुमा कुजा अहले अमरोहे कुजा जिंदगी भी कुनी मन दर अमरोहा हक्कान जिंदगी में कुनाम बले आप नज़द आ गए शहबाले नज़द आ गए शहबाले खो अरे शुमा में फरमाए इसमें पिदारे शुमा चीज इसमें पिदारे शुमा चीज इसमें पिदाराम शहवार हुसैन है ए शुमा दोस्तरे आवे शहवार हस्ती अरे सलाम मनबे रसूल मेरा सलाम कहिएगा मैं तो कोई शुमा अरे खेले खो बले आजरा बतूल सलाम शुमा खूबी अजरा बतूल हस्तान निस्तान अजरा बतूल खेले खो उम्मे कुलसूम सलाम वालेकुम अस्सलाम खूब हस्ती शुमा अस्सलाम वालेकुम मन खूब हस्तान इसमें शुमा चीज इसमें मन उम्मे कुलसूम अस्त शुम दो दो उम्मे कुलसूम है यहाँ पर बले शुमा अहले कुजा हस्ती शुमा अहले हिंद हस्ती माये उम्मे कुलसूम इंचा दारी अहले पाकिस्तान अस उम्मे कुलसूम अहले पाकिस्तान सलाम खूब हस्ती शुमा बले उम्मे कुलसूम हस्तान उम्मे सदाए मन्नी रसे उम्मे कुलसूम शिकार कुनाम दिगे मसरत जान सलाम सलाम लिको वालेकुम सलाम खूब हस्ती शुमा शुमा खूब हस्ती चला हरफ नहीं मिजानी मसरत जान वालेकुम सलाम वालेकुम खूबी मनम खूब हस्तम शुमा शिकारे हस्ती मैं दानी जो हस्तम पिदारे शुमा शिकारे हस्त इधरे मन नजर हस्त बले शुमा में फरमाए इसमें पिदारे शुमा चीज इसमें पिदारे शुमा चीज इसमें पिदारम बशीर अहमद है बले खेले खूब शुमा अहले कुजा हस्ती मैं अहले कश्मीर हस्तम बले कश्मीर हिंद कश्मीर पाकिस्तान कश्मीर हिंद खेले खूब खानों में मासूम में समानी सलाम वालेकुम अस्सलाम खूब हस्ती शुमा भले मन खूब शुमा को भी मन खूब हस्ता शुमा है ले कुछ हस्ती मन है ले मुंबई हस्ता इस भले इसमें हम सारे शुमा चीज आगे आपको पता है ना दिखे यहाँ पता तो बहुत कुछ है लेकिन ये फारसी क्लासेस स्पीकिंग है भले इसमें हम सारे शुमा चीज देखिए इसमें हम सारे मान अख्तर हुसैन भले अख्तर हम सारे यानी हस्बैंड हस्बैंड या वाइफ बने हस्बैंड खो आगे मोहम्मद बीमानी आगे मोहम्मद बीमानी सलाम निस्तन लिखो फरीजे सलाम खूब हस्ती शुमा वालेकुम अस्सलाम आगा भले मन खूब हम शुमा खूबी मन खूब हस्ता ममनून इसमें शुमा चीज इसमें मन फरीजे अस्त इसमें खाहरे शुमा चीज इसमें खाहरे मन हफीजे अस्त शुमा अहले कुजा हस्ती मन अहले इलाहाबाद हस्तम शुमा चिकारे हस्ती मन दानिशु हस्तम आशकार फातिमे सलाम हस्तन आशकार फातिमे खेले खो ताहिरा काजमी सलाम अलैकुम अस्सलाम खूब हस्ती शुमा
بلی من خوبم شما خوبی؟ منم خوب هستم. اسم شما چیست؟ اسم من طاهره فاطمه کاظمی. شما اهل کجا هستی؟ من اهل لکنو هستم. خانواده شما خوب هستند؟ بله آنها خوب هستند. خوب، شما کجا زندگی میکنی؟ من در شهر لکنو زندگی میکنم. خوب دوستان متوجه هستی؟ بله آقا. بله آقا. بله آقا. اسم شما چیست؟ آقا آقا اسم شما چیست؟ لڑکا بھی کوئی ہے؟ آقا بھی کوئی ہے؟ آقای محمد امین سلام. سلام. خوب هستی شما؟ آقا اسکرین پھر چلی گئی. آقا اسکرین چلی گئی. شما خوبی آقا؟ منم خوب هستم. خوب عارفه، عارفه سلام. خوب هستی شما؟ عارفه هستن؟ سلام آقا. سلام. خوب هستی شما؟ آنها متشکرم. بله خوب هستم. اسم شما چیست؟ آنها دانش جو هست. کونین زهرا سلام. کونین زهرا سلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسم شما چیست؟ اسم شما چیست؟ اسم من کونین زهرا است. خانواده شما خوب هستند؟ کونین بله آنها خوب هستند. شما اهل کجا هستی؟ من پاکستان هستم. من اهل پاکستان هستم. من اهل پاکستان هستم. بله شما چه کاری هستی؟ بله شما چه کاری هستی؟ شما چه کاری هستی؟ من جو هستم. من دارم. خوب سیدرا بطول سلام. خوب هستی شما؟ السلام علیکم. من خوبم شما خوبی؟ من خوب هستم. خانواده شما خوب هستن؟ بله آنها خوب هستن. شما کجا زندگی میکنی؟ من در آزاد کشمیر زندگی میکنم. آزاد کشمیر زندگی میکنی؟ خب دیگه ببینی زندگی میکنی سیدرا بطول اینجا دیگه بله اینجا سیاست نیست بگیر در پاکستان زندگی میکنی؟ نه نه آزاد کشمیر جمہو کشمیر دو ہیں آزاد کشمیر ہے ہم نہ وہ سیاسی طور پر آزاد اور مقبوضہ نام رکھ دیا ہے کیا ہندوستان میں جو کشمیر ہے وہ آزاد نہیں ہے بلی دیگے آزاد کشمیر یعنی لیکن من اہل پاکستان ہستام یا من اہل ہند ہستام یا من کشمیر ہستام کشمیر پاکستان بلے کشمیر پاکستان ہستام بلے ان طوری بیگید خوب ہے انجا بیگید جائے سیاست نیست کے بلے دیگے انجا بلے خیلی خوب خیلی خوب بله عزرا بطول صدای من میرسه بله خیلی خوب متوجه هستی دو آقای رضی احمد سلام سلام شما خوبی؟ منم خوب هستم متشکرم شما اهل کجا هستی؟ من اهل کلکته هستم من اهل کلکته هستم اهل کلکته هستم خانواده شما خوب هستن؟ بله آنها خوب هستن اسم شما چیست؟ اسم من رضی است رضی است بله شما چه کاری هستی؟ من دانشجو هستم بله کجا زندگی میکنی؟ من در کلکته زندگی میکنم نه دیگه شما اهل کلکته هستی ولی الان در گجرات زندگی میکنی لیکن من در گجرات زندگی میکنم من اهل کلکته هستم کجا زندگی میکنی؟ نه اهل گجرات نه گجرات زندگی میکنم در گجرات زندگی میکنم متوجه هستی دوستان؟ بلی آقا یہ اب آپ لوگ میری بات سب غور سے سنیے گا باقی لوگوں سے آہستہ آہستہ جیسے جیسے نام یاد ہوتے رہیں گے تھوڑی تھوڑی بات کرتے چلیں گے انشاءاللہ دیکھیں ابھی تک ہم نے خیر خبر تک پوچھ لی تھی بات خیریت لے لی تھی فیملی کی خیریت لے لی تھی اب جب انسان خیر خیریت لیتا ہے اس کے بعد جب دو لوگ ملتے ہیں تو پھر پوچھتے ہیں کہاں کے ہو دیکھیں ایک ہوتا ہے کہاں کے ہو اور ایک ہوتا ہے کہاں رہتے ہو
कहां के हो, कहां रहते हो। मुमकिन है कि जहां का है वहीं रहता हो, और मुमकिन है कि मसलन है कहीं का लेकिन किसी काम के सिलसिले में, पढ़ाई के सिलसिले में, या मेरी तरह यहां मसलन मन अहले अमरोहे हस्तान दर गुजरात जिंदगी में कुन मसलन गुजरात में रह रहा हूं पढ़ा रहा हूं मसलन भले आ गए रजी अहमद मसलन इन तलब है हस्तान या पे सब स्टूडेंट है भले। खूब, तो जब हम किसी से पूछते हैं सामने वाले से शुमा अहले कुजा हस्ती, कहां के हैं आप, शुमा अहले कुजा हस्ती, तो आप कहिएगा मन अहले मसलन, मन अहले दिल्ली हस्तान, मन अहले मिसाल के तौर पर मन अहले देहली हस्तम, मन अहले देहली हस्तम, या तो आप कहिए मन अहले, देखिए दो दो बात याद रखिएगा इसमें, मन अहले देहली हस्तम कहिए या तो, या मन देहलावी हस्तम, मन देहलावी हस्तम, मुतवज्जह हस्ती दोस्तान, समझ में आ रहा है सबको, मुतवज्जह हस्ती दोस्तान। जब मैं आपसे सवाल करूं शुमा या कोई भी, शुमा अहले कुजा हस्ती, अहल के माना है वही माना है जो इसके यहाँ पे हुई है, देहलवी के क्या माना है, देहलवी यानी अहले दिल्ली, देहलवी यानी अहले दिल्ली। बहुत से लोग क्या करते हैं शुमा अहले का कुजा हस्ती, मन अहले देहलवी हस्तम, ना देहलवी के माना ही अहले देहलवी है, अहले दिल्ली है, देहलवी के माना ही अहले दिल्ली है, लिहाजा या तो आपके मन अहले दिल्ली हस्तम, या मन देहलवी हस्तम, या मन अहले लखनऊ हस्तम, या मन लखनवी हस्तम, बने मन अहले गुजरात हस्तम, या मन गुजराती हस्तम, बने मुतवज्जे शुदी दोस्तान झूठ मत बोलो, मन बिल्कुल अहले, मन अहले मसलन हरदोई हस्तम, शर्मा क्यों रहा है हरदोई का नाम है, दो तीन बार मैंने आपको आवाजें दी और आपको आवाज नहीं गई और आप लैंड किया, तो सलाम खूबी शुमा मन अहले उत्तरा प्रदेश मन अहले उत्तराखंड शुमा अहले कुजा हस्ती मन अहले गुजरात हस्तम शुमा अहले कुजा हस्ती मन अहले मसलन आजमगढ़ हस्तम शुमा अहले कुजा हस्ती मन अहले चंडीगढ़ हस्तम भले शुमा अहले बंगाल हस्ती भले अहले कलकत्ता हस्ती बेगिन मन अहले कलकत्ते हस्तम या मन बंगाली हस्तम मन बंगाली हस्तम नुजात फाते में सलाम नुजात फाते में सलाम इन खैली दुरुस्त नुजात फाते में हस्तान या रफ्तान भले आशकार फाते में भले खूब खदीजे खदीजे सलाम سلام آقا خوب هستی شما لیکن بولنے میں اگر آپ لوگ دیر لگائیں گے تو سارا ٹائم اسی میں نکل جائے گا فوراً نام کان لگا کے رکھیں کبھی بھی کسی کا نام بولا جا سکتا ابھی میں سوچی مجھے وہاں دیکھنا پڑے گا یا کنیکٹ ہے میں یہاں سے لسٹ میں دیکھ کے کہیں سے بھی نام لکھ سکتا ہوں کنیکٹ ہوں موبائل سے میں ٹھیک ہے تو فوراً جواب دیجیے تاکہ ٹائم ضائع نہ ہو بھلے متوجہ ہستی بلے آگا بلے آگا کائنات نقوی سلام بلے آگا وعلیکم السلام خوب هستی شما بلے من خوب هم شما خوبی من هم خوب هستم متشکرم شما اهل کجا هستی من اهل دهلی هستم بلے من اهل دهلی هستم یا من دهلوی هستم بلے دهلوی هستم کجا زندگی میکنی کجا زندگی میکنی مندر دہلی مثلا مندر اندر دہلی دہلی میں کون جہاں دیکھیں یہ ہوتا ہے کہاں کے ہیں اور یہ کجا دہلی میں کوئی کہاں رہتے ہیں ہو سکتا ہے جہاں میں وہیں رہتے ہیں ہو سکتا ہے کام کے سلسلے میں جاب کے سلسلے میں باہر مندر دہلی زندگی میں کون مندر دہلی زندگی میں کون مندر
ماندار دہلی زندگی بھی کو نام خیلی خوب شما کجا زندگی بھی کو نہیں ماندار کانودا زندگی بھی کو نام شما کجا زندگی ہمیں شما در کانودا زندگی بھی کو نہیں بھلے جی خیلی خوب آقای محمد قاسم سلام وعلیکم السلام آقا خوب هستی شما بله من خوبم شما خوبی منم خوب هستم شما اهل کجا هستی من اهل هندوستان هستم من اهل هندوستان هستم من هندی هستم اصلا من هندی هستم من اهل هندوستان هستم کجا زندگی میکنی من اهل گجرات کردی غلطی سمجھانے کے بعد بھی بله اهل گجرات کا مطلب کیا ہوا اهل گجرات یعنی گجرات کا رہنے والا یعنی میں گجرات کا رہنے والا رہتا ہوں من در گجرات زندگی میکنم من اهل گجرات هستم و در گجرات زندگی میکنم من اهل گجرات تو اهل کو هر جگہ نہیں لگانا ہے اهل کو هر جگہ نہیں اهل گجرات هستم کجا زندگی میکنی من در گجرات زندگی میکنم گجرات کسی ایک کمرے کا نام نہیں ہے بڑی جگہ ہے پورا صوبہ ہے بلے من در بھاونگر زندگی میکنم من در مہوا زندگی میکنم من در احمد آباد زندگی میکنم بله آقا بله آقا بله آقا کی پریکٹس چل رہی ہے بله آقا این اور آن کی پریکٹس چلتی رہنی چاہیے آئیے میں کچھ ورڈز لکھوا دیتا ہوں تاکہ این اور آن کی پریکٹس آپ یہ نہ کہیں کہ جب ورڈز کے میننگ ہی نہیں ورڈز ہی نہیں معلوم تو این اور آن کی پریکٹس کیسے کریں لکھ لیجئے تھوڑے سے ورڈز یہ انار کو میں نے لکھوایا تھا آب کیونکہ کوئی سی بھی زبان سیکھنے کے لیے پہلے کچھ ورڈز تو یاد ہونے چاہیے اس کے بعد کی بات ہے پہلے کچھ ورڈز سیکھ لیجئے تاکہ اس کے بعد استکان استکان ایران ایران اوتو اتو پرچم پرچم بله پرچم می نویسید لکھ رہے ہیں آپ لوگ بله بله آقا بله آقا بله آقا بله آقا پرنونسیشن تلفظ بہت اہم ہے تلفظ کا دھیان رکھیے گا بله استکان استکان ایران ایران ملک ایران اتو اتو پرچم 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 اسب 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 مت پڑھیے گا اسب इसीलिए मैंने अक्सर लोगों के लिए हिंदी में प्रोनाउंसिएशन लिख दिया है मैंने आ बोलिए आ आ इस्तेकान ईरान 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 कुतु किसी ने कुछ कहा कुछ बोल रहा था कोई पर پرچم 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 آب یعنی واٹر پرچم پانی استکان یعنی استکان کپ 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 ایران یعنی ایران کنٹری ایران 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 اردو پریس 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 جنہیں یاد نہیں ہے उन्हें डिस्टर्ब होगा जिन्हें याद है वो खामोश रहे ऐसे हो जाए जैसे पहली बार बोली है परचम किसी का परचम कुछ चल रहा है नैनो नैनो वस्टेरिया क्या नाम है आपके यहां से कुछ खटपट की आवाज आ रही है सुन कर लीजिए बस
परचम, परचम किसे कहते हैं? फ्लैग 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 हाउस हाउस घोड़ा हाउस घोड़ा हाँ मैं बोल रहा हूँ घोड़ा फिर जब मैं कहूँ तब अब बोलिए इन चीज इन चीज अरे मैं सवाल कर रहा हूँ इन समझ में आया प्रोनाउंसिएशन फिर से सुनिएगा आपको कुछ अच्छा कमाल ये है कि आपको को इतना भी नहीं पता कि आपके घर में बच्चे शोर मचा रहे हैं या शोर मच रहा है तो खुद ही से माइक ऑन ना करें किसी का माइक बहुत डिस्टर्ब कर रहा है नूर फातिमा नकवी कैसे समझाएं बताइए आप लोगों को कि घर की आवाजें मत सुनाइए रिकॉर्डिंग में आएगी मुतवज्जो सुदी भले भले आगा भले आगा भले आगा भले आगा मुतवज्जो भले आगा भले पाप को नहीं पाप को नहीं पाप करना नहीं साफ करना पाप को ना मैं पाप कर दूं यानी साफ कर दूं भले पाप को नहीं पाप को नहीं भले पाप को नहीं और दैट और दैट देखिए अब बताइए माइक कौन है किसी की कॉल आ रही है वाइब्रेट की आवाज यहां तक आ रही है कैसे समझाऊं मैं कि भाई यार भले मन मुतवज्जो शुदम भले डॉक्टर 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 साथ सास नहीं कुछ वर्ड्स वैसे लिखवा देता हूँ आपको ये बाद में लिखवाते हैं ठीक है चेश चेश चश्मे मत पढ़िए वैसे चश्मे का अलग वर्ड होता है एक होता है चेश बोलिए चेश 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 दस चेश दस चश्मे यानी ओके मारे चश्मे नहीं दसी बात है मैं आसान दान मारे अंगूश पाँ देखिए एक होता है उर्दू में चश्म कहते हैं उर्दू में आंखों को चश्म बोल देते हैं लेकिन फारसी में चश्म कहते हैं सर आंखों पर जैसे मैं आपसे पूछता हूँ तो ये करके लाना तो आपके चश्म लेकिन जो आईज होती है उसको कहते हैं चश्म मान चश्म मान दो चश्म दाराम मान दो चश्म दाराम जबरदस्त चश्म चश्म बोलिए आप बोलिए डॉक्टर अंगोश अंगोश डॉक्टर आईज लेकिन आप लोगों को दिख रहा है किसके यहाँ से माइक ऑन है मैं रिमूव कर दूंगा जब नहीं माना बात आ रहा है तो मैं रिमूव कर दूंगा उन्हें ये एम के नाम से ऑरेंज कलर मेहदिया
भी लग रहा है, डिस्टर्ब कर रहे हैं, माइक बंद रखिए। आप क्या भी शोर है यानी फुट पैर लेग लेग अंगूठ फिंगर थम्स नहीं थम्स नहीं फिंगर 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 थम्स को थम को कहते हैं शास्त 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 यानी अंगूठा शास्त यानी थम अगर शार्ट को भी कहते हैं ना शास्त फिलहाल जो लिखवा रहा हूँ जो समझा रहा हूँ वो समझ लीजिए नविष्टित लिखा आप लोगों ने पहले नहीं पहले अगर एक मिनट हटी है बस बोर्ड नहीं दिख रहा दिख रहा है उठी पहले अगर शास्त शीन सीन ते है शीन स्वाद ते शीन स्वाद ते शीन सीन ते नहीं है नहीं स्वाद स्वाद सीन से मैम मान लीजिए मैं गलती नहीं कर रहा हो सकता है आप ज्यादा पढ़े लिखे हो लेकिन स्वाद से ही शास्त जी आपको नाम बले 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 आपको दे बले छात्र 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 नज्जार पूल पूल चाकू 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 साहद 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 बोलिए चात्र 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 ची नज्जार नज्जार पूल 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 चाकू चाकू साहद 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 चात्र ने अम्ब्रेला चात्र बोली चात्र 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 अम्ब्रेला चेयर क्या क्या नज्जार कारपेंटर नज्जार कारपेंटर पूल पैसे पूल पैसे पूल चाकू नाइफ चाकू साथ साथ घड़ी हॉर्स वॉच को भी बोलते हैं हॉर्स को और जेस को भी बोलते हैं और घंटे को भी बोलते हैं बाले बाले अरे चेक के नीचे क्या बोला नज्जार नज्जार कारपेंटर बड़ी नज्जार बोलिए इंचीज इन छात्रास फरीदा
बाहर परिदा का माइक है। आप लोग यही है कि जिसका भी माइक डिस्टर्ब कर रहा हो पता लग जाता है, तो आप मार्क कर दिया बता दिया कीजिए जी। देखिए याद है आपको हस्ता मस्ती, याद है भूल गए? याद है भले, याद याद आ याद है आगा। मान तू, मान तू दारद माँ, माँ शुमा शुमा अनहा अनहा दारी दारी याद है आपको उस दिन मैंने एक बात लिखवाई थी मन, यहाँ पे लिखवाया था हस्तम, और एक चीज लिखवाई थी आप लोगों को जी, याद है ये भूल गए? भले आदा भले आदा भले आता। मैंने एक चीज बताई थी आपको के क्रिया काम फेल चेंज हो सकता है, कोई कभी खाना क्योंकि एक ही काम थोड़े करता है इंसान जिंदगी भर, खाना पीना रहना सोना फेल बदल सकता है, काम सब्जेक्ट जो है वो मन के साथ मीवी रहेगा वर्ब के आखिर में, फेल के आखिर में वर्ब के आखिर में फेल के आखिर में मन के साथ, मन की निशानी क्या है मीम, इसे जमीन कहते हैं। मैंने याद है आपको किसी का माइक फरीदा जैदी आपका माइक डिस्टर्ब है, मैंने माइक आपका बंद किया या किसी और का जिसका भी है वो माइक बंद कर दिया। मैंने बंद कर ले आप वर्ब यानी पानी का विशेषण, वर्ब यानी फेल, अगर कोई कहना नहीं कोई है जी, वर्ब यानी फेल यानी क्रिया, हिंदी में क्रिया इंग्लिश में वर्ब अरबी फारसी में फेल, फेल बदल सकता है लेकिन फेल को अंजाम देने वाला यानी सब्जेक्ट यानी कर्ता यानी फाइल ये है वो जमीर उसकी अलामत है। आगा आपने फेल को फारसी में क्या बताया क्रिया, हिंदी में क्रिया बताया, इंग्लिश में वर्ब बताया, फारसी में फेल बताया, अरबी में भी फेल बताया, काम काम जिसे कहते हैं क्रिया। आप लिख देंगे, आप लिख देंगे, मैं नोट कर रहा था। हिंदी आती है आपको? जी 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 मैंने सीखी है कुछ। हाँ क्रिया काम को कहते हैं, उर्दू आती है, उर्दू में सीखी है ना काम, काम ठीक है जी ठीक है। अलग अलग देखिए उत्तर क्या था, मन विशेष हस्तम, मन के साथ क्या था मीम, मन विशेष हस्तम मैं डॉक्टर हूँ, तू दानिशु हसी, आप स्टूडेंट हो, तू के साथ क्या आया था फेल के आखिर में या जी, ऊ थर्ड पर्सन ऊ परस्तार अस वो ना से अस मले मन तू ऊ वही है, मीम ये मीम नून दाल ये दाल सब वही है, हस्तम की जगह दारान हो गया, वहां पे कहता मन मैसेज हस्तम में डॉक्टर हूँ, इसका माना क्या है दारमदारी का है जानते हैं इंग्लिश में है, मान चक्र दारम मैं अम्ब्रेला रखता हूँ, बोलिए मान चक्र दारम, मान चक्र दारम चत्रधारंद ऐसे ही हम हर दूसरे तीसरे दिन एक फेल या रोज एक फेल बदल देंगे, वहां का था हस्तम हस्ती या दारम दारी, वहां का मन विशेष मैं डॉक्टर हूँ, यहाँ मन चत्र दारम आई हैव ए अम्ब्रेला, आई हैव ए अम्ब्रेला मन चत्र दारम, अब यहाँ इसकी जगह को चौर कर दीजिए आप, मन अनार दारम अनारदारी आगा जान माँ शुमा और आनहा का मतलब बता दीजिएगा, मैं न्यू हूँ क्लास में। ठीक है मैं बताता हूँ, लेकिन आप दो तीन वीडियो जो है वो कल परसों की वो भी देखिएगा ग्रुप में। मन देखिए मैंने आप लोगों को बताया था
सब्जेक्ट जो होता है यानी फाइल यानी काम को करने वाला या काम को करने वाला क्या बोलते हैं इंग्लिश में उसे सब्जेक्ट बोलते हैं काम करने वाला फाइल फाइल अरबी फारसी में फाइल कहते हैं और इंग्लिश में और अरबी हिंदी में कहते हैं कर्ता हिंदी में कहते हैं कर्ता जी तो कर्ता होता है काम को अंजाम देने वाला या तो सिंगुलर होता है एक होता है या एक ज्यादा प्लूरल जमा होता है काम को अंजाम देने वाला अरबी को छोड़ के अरबी में दो को अलग होता है तीन दो से ज्यादा को जमा कहते हैं लेकिन उर्दू में और फारसी अरबी फारसी में क्या है अकेले को तो एक कहेंगे और एक से ज्यादा के साथ जमा आ जाता है हम एक के साथ जी तो जो फाइल है काम को अंजाम देने वाला है किसके पास छाता है मेरे पास किसके पास छाता है तेरे पास किसके पास छाता है उसके पास ये तीनों सिंगुलर है ये तीनों सिंगुलर 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 वाहिद है और ये मां शुमा आना इनका जमा है प्लूरल है तो यहाँ पर फाइल जो है हमारा वाहिद है ये जमा है और आप जानते हैं फाइल चाहे वाहिद हो चाहे जमा तीन तरह का होता है याद है ना तीन तरह का होता है या फर्स्ट पर्सन यानी मुतकल्लिम सेकंड पर्सन यानी मुखातब या थर्ड पर्सन माना टू के अलावा जो थर्ड पर्सन है वो थर्ड पर्सन है समझ में आया नायब कहते हैं थर्ड पर्सन को ठीक है या फिर से लिख के भले आगा तो ये क्या है ये दो ये तीनों फर्स्ट पर्सन वो फर्स्ट पर्सन कह रहा हूँ सेकंड थर्ड पर्सन सिंगुलर है वाहिद है ये फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन जमा है प्लूरल है ये सब्जेक्ट प्लूरल है मन यानी मैं माँ मैं की जमा हम तू एक शुमा तुम सब वो एक आना वो सब तो ये सिंगुलर है ये प्लूरल है ये फर्स्ट पर्सन भले आगा थर्ड पर्सन मुतकल्लिम हाजिर गायब मुतकल्लिम हाजिर गायब जी जी फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन तीन ये भी फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन है ये भी फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन है यानी मुतकल्लिम मुखातब और गायब है तो फिर क्या फर्क है फर्क यह है कि ये सिंगुलर है वाहिद है ये जमा है जी मन चक्रधारम इस मीम से पता लग रहा है जिसके पास छाता है वो फर्स्ट पर्सन वाहिद है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है ये यहां के जिसके पास छाता है वो फर्स्ट पर्सन वाहिद है सेकंड पर्सन सिंगुलर है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है समझ में आया आप लोगों को सिंगुलर है फिर अभी एक दफा मैं लिखवा देता हूँ आपको फाइल फाइल यानी सब्जेक्ट यानी कर्ता फाइल यानी सब्जेक्ट कर्ता या वर्ब नहीं वर्ब कह रहा हूँ सब्जेक्ट सब्जेक्ट आपको मालूम है काम को अंजाम देने वाला या सिंगुलर है वाहिद है या जमा है जी या जमा जमा यानी प्लूरल अब ये वाहिद भी जमा ये वाहिद भी या तो फर्स्ट पर्सन है जिसे कहेंगे मुतकल्लिम ये सेकंड या थर्ड मुतकल्लिम या सेकंड पर्सन है जिसे मुखातब कहेंगे या हाजिर कहेंगे या थर्ड पर्सन है जिसे गायब कहेंगे गायब कहेंगे ठीक है गायब हाँ अब ऐसे ही है ऐसे ही ये जमा है मुतकल्लिम होगा या तो फर्स्ट पर्सन होगा या सेकंड पर्सन होगा हाजिर या थर्ड पर्सन होगा यानी गायब कहलाएगा ठीक है अब खुद मुतकल्लिम मन देखिए क्या कहेंगे इसे फाइल वाहिद मुतकल्लिम है मन फाइल वाहिद हाजिर है वाहिद मुतकल्लिम फाइल वाहिद गायब है वाहिद हाजिर फाइल जमा मुतकल्लिम है वाहिद जमा फाइल सब्जेक्ट यानी कर्ता जमा है प्लूरल है थर्ड पर्सन है
उम्मीद है कि आप क्लियर समझ में आ गया होगा आप लोगों को। यादगार के तौर पर स्क्रीनशॉट ले लिया अगर ना लिखा हो तो। ठीक है ठीक है। आप ये देखिए मान चात्र दारम, इस दारम में जो मीम है उससे क्या पता लगा आपको? उससे ये पता लगा कि जिसके पास छाता है वो वाहिद मुतकल्लिम है। वो वाहिद मुतकल्लिम है। वाहिद मुतकल्लिम। तू चात्र दारी, दारी में जो या है उससे क्या पता लगा कि जिसके पास छाता है अम्ब्रेला है वाहिद है। पहले तो हमको हाजिर है सामने वाला भी एक मान तू माशुमा आना वो जो मैंने मालिक आया था। अब यहाँ पे कहिए मान मान ली वान दारम, मान ली वान दारम, तू ली वान दारम, मान ली वान दारम, दारम तू ली वान दारम, तू ली वान दारम, जो लिखवाए हैं कल याद होने चाहिए और इन आराम की फिर प्रैक्टिस अच्छे से रोज होती रहनी चाहिए। मैं जानबूझ के थोड़ा शुरू में चार पांच दिन हफ्ता दस दिन लेट लेट पढ़ाऊंगा स्लो स्लो प्रैक्टिस करा के, क्योंकि यहाँ अगर आ गया आपको तो सब आ जाएगा और 15-20 दिन बाद आप देखेंगे कि सब बोलते हुए नजर आएंगे। यकीन ना आए तो पिछली जो दो मरतबा पढ़ा चुका हूँ बुक वन की आप देख लीजिए सब कितना अच्छा बोलती है, बोलते हैं अक्सर बोलती है इंशाल्लाह, क्योंकि बोलते हैं जो है बेचारे ज्यादा दिन रुकते नहीं है। अच्छा जी। शनिदान, शनिदान यानी सुनना, गूश कुनीद और तकरार कुनीद, सुनिए और तकरार कीजिए। मैं बोल रहा हूँ सुनिए और क्या करें उसके बाद, उसके बाद मियां मिट्टू बन जाइए। आ ई ऊ और ये अरबी में इतनी अहम है कि अगर छोटी को बड़ा बड़े को छोटा पढ़ दे तो माना बदल जाते हैं अक्सर जगह। अगर अलिफ जबर आपको आ पढ़ दे या ई को ई पढ़ दे या ऊ को ऊ पढ़ दे माना बदल सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपको मैंने कल मिसाल भी दी थी, ठीक है, पढ़ना था जाराबा हम पढ़ते जाराबा तो माना बदल जाएंगे। कहा जाराबा उसका काम को अंजाम देने वाला एक था उसे एक मर्द ने मारा, आपने जाराबा कर दिया दो मर्दों ने मारा, माना बदल जाते हैं। लिहाजा अरबी में खास करके इसीलिए कहा गया है कि तजवीद जब पढ़ाते हैं अरबी लहजे की सबसे अहम चाबी क्या है, कूता और कशीदा हरकात की रियायत करना जी। उर्दू में और फारसी में माना नहीं बदलेंगे एक टाइम को, कूता को कशीदा चाहे आप किताब कह रहे हैं किताब कह लो जल्दबाजी में समझ में किताब ही आ रही, लेकिन अरबी में बहुत सी जगह मीनिंग बदल जाते हैं। लिहाजा आप लोग इनको हरकात को बहुत अच्छे से समझें ताकि कुरान में आपके काम आए, कुरान में आपके काम आए। फिलहाल देखिए आ ई ऊ आ ई ऊ ऐसे बा बी ऊ बा बी ऊ, आपको याद ही होगा हिंदी में भी आपने जब पढ़ी होगी हिंदी पढ़ाया था ए ए ओ ओ ऐसे पढ़ाया गया था याद है। ठीक है ऐसे ही है पूरी अलिफ़बेत। अब यहाँ पे कह रहे हैं दोबारा सुनिए और तकरार कीजिए। नंबर दो तमरीन में क्या है नीचे की आवाजों को पढ़िए, पढ़िए ते 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 जी शा जी जा जा री रा ला सा री री शू हा 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 बू सा री री जे उम्मीद है कि आवाज समझ में आ गई होगी और आप लोगों को ये भी नहीं हुआ होगा कि एहसास के बच्चों वाली बातें पढ़ा रहे हैं।
ये किसी वजह से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही ये पूरी अलिफ बे थे, आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। वरना अगर मैं यहाँ ये सब बता दूं तो रिकॉर्डिंग वाले भी कह रहे हैं इससे छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे थे क्या। जी रब खानी नीचे अब यहाँ पर ये वर्ड्स हैं, कुछ मैंने कुछ इसमें के लिखवा दिए हैं या अक्सर लिखवा दिए हैं, नहीं कुछ लिख रह गए। आब साथ सलाम टेलीफोन 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 लिखा क्या किताब लिखा क्या टेलीफोन पढ़ते हैं टेलीफोन 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 किताब किताब टेलीफोन मस्जिद टॉक्सी 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 संदली 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 कुर्सी आज। यहाँ पर इस तमरीन में पता है क्या दिया है, आप पैदा करना है, जो ऊपर वर्ड्स दिए हैं इनको यहाँ पे मिलाना है, जैसे इन्होंने मिलाया आप बार बार क्या सार, अब आपको ढूंढना है कहाँ है सार। जी ये रहा सीन अलीफ एन का है एन और फिर उसके बाद ते, ऐसे मिला ते। ठीक है, ये आप लोगों की खुद की तमरीन है। और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं यहाँ फिल करने हैं, यहाँ क्या लिखना है अगर आपको याद हो गया साथ साथ किताब 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 टॉक्सी टॉक्सी मेरे हाथ में माउस है, माउस है मेरे हाथ में, पेन नहीं है, ये जो उल्टा सीधा लिखा जाए तो ये माउस की प्रॉब्लम है। मस्जिद 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 संदली संदली टेलीफोन टेलीफोन टेलीफोन। अब ये यहाँ पर इमला आवाहरा मिशनवी विनवी आवाजों को सुनिए और उन वर्ड्स को इनको लिखिए। तकलीफ है दानिश जो स्टूडेंट का ये होमवर्क है, तकलीफ यानी होमवर्क, तकलीफ यानी जिम्मेदारी दानिश जो स्टूडेंट की है होमवर्क है, ये आपको करना है। क्या करना है, बहुत अच्छा सा आसान काम है, अल हाथ फेरना है इनके ऊपर, जी एक्टिविटी है ये, बस हाथ फेरना है, छोटे बच्चों वाला काम है। आप अगर लिखना सीखना चाहते हैं तो इन्हें लिख सकते हैं ऐसे। यहाँ पर ये दर्स हमारा नहीं तमाम नहीं हुआ, अब यहाँ पर इसमें हुरूफ रब बेनवीसी, कल इसको आप फिल करके फुल करके लाइएगा, ये हमारा दर्स पूरा हो गया। कल इंशाल्लाह मैं आपको दूसरा दर्स सेंड करूंगा, ये आपकी तमरीन है। यहाँ पर होमवर्क पे लिखना है नीचे इन हुरूफ के नाम लिखने, जैसे यहाँ अलिफ बे पे लिखना है और यहाँ गुफ्तगु फिल करनी है। सलाम सलाम नहीं, ये दो लड़के हैं यहाँ पर, यहाँ पे नबा नहीं हो सकती है जी, यहाँ पे कोई अहमद और सईद ही हो सकते हैं बेचारे, ये दोनों तस्वीर बनी। और यहाँ पर क्या करना है, ऐसे ही नकल करनी है राइटिंग सुधारने के लिए। दर्स हमारा तमाम हो गया, कल इंशाल्लाह दूसरा सबक पढ़ेंगे। लेकिन लेकिन आप लोगों को अल्लाह को हाजिर और नाजिर रख के आप लोगों से कह रहा हूँ, ये फिल होना चाहिए, यानी ये प्रैक्टिस आपके पूरे दर्स की जो मैंने कराई है होनी चाहिए, बाकी इंशाल्लाह अल्लाह दर्स पढ़ेंगे। वसंत क्वेश्चन इंशाअल्लाह मुराक़िबे खुदे शुमा बाशी, खुदा निगहदारे शुमा, मुवफ़िक़ मुअय्यद बाशी।